बोलो साबित करो सीता माता सुंदरी बोलो फोटो को सुंदर है। कितनी अजीब बात है, हिंदुस्तान में देवी देवताओं का ही अपमान करना कितना आसान है, जबकि किसी और धर्म पर चोट करना उतना ही मुश्किल। क्या देश क्या विदेश, हर जगह से धमकियां ऐसी ऐसी आने लगती हैं कि जैसे एक इष्ट सिर्फ उन्हीं के हैं, बाकी कोई इष्ट है ही नहीं। और कांग्रेसियों का तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करने का जैसे पुराना इतिहास रहा है, लेकिन क्योंकि हिंदू सहिष्णु है इसीलिए उसके सब्र का खूब इम्तिहान लिया जाता रहता है। अब राजस्थान में जब विधानसभा का चुनाव नजदीक है तो फिर कांग्रेस नेता ने माता सीता को अपमानित करने वाला बयान दे दिया है। सिर्फ माता सीता का ही नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बारे में भी ओछी टिप्पणी करती है। सीता माता सुंदरी बोलो साबित करो सीता माता सुंदरी बोलो सुंदर है। एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद कांग्रेस कुछ करे या ना करे, लेकिन जनता इसे एक नेता की चुनाव के आसपास भी बैंड बजा कर रखेगी। हालांकि साधु संतों ने तो कांग्रेस के इस बदजुबान नेता पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने साफ साफ लफ्जों में भगवान राम के लिए यूं भाषा की मर्यादा लांघ देने वाले कांग्रेसी को खरी खोटी सुनाई। सुनिए जरा कैसे कांग्रेसियों को खरी खोटी सुना रहे हैं चक्रपाणी महाराज। राजस्थान के मंत्री जिस प्रकार से अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए और उसने ये कहा कि माता सीता बहुत सुंदर थी और इसलिए राम और रावण पागल थे, इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। और इससे भी बड़ा दुख की बात यह है कि इस पे कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो सोनिया जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब मौन है। ये कहीं ना कहीं यह कांग्रेस पार्टी के जो सनातन हिंदू विरोधी जो भावना है उसको दर्शाता है। एक तरफ भगवान श्री राम को एक काल्पनिक कहते एफिडेविट देके, दूसरी तरफ भगवान श्री राम को पागल बताना, यह बहुत ही निंदनीय है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे मंत्री को तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं राजस्थान में तमाम हिंदू अपने संगठनों को मैं निर्देशित भी कर चुका हूं कि इनके खिलाफ FIR राजस्थान में कराएं, इनके खिलाफ शिकायत दें और इनकी किसी भी तरीके से ये इस तरह के मूर्ख और पागल लोग बचने नहीं चाहिए जो मंत्री पद पर बैठ के हमारे माता सीता और भगवान राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं और छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको तत्काल इनके खिलाफ ED और CBI के छापे पड़ने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हरिओम, राम राम। अपने इस 1 मिनट 46 सेकंड के वीडियो में जैसे चक्रपाणी महाराज ने कांग्रेस के खिलाफ अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, वो जता रहे हैं कैसे कांग्रेसियों ने हमेशा ही सनातनियों के सहिष्णु होने का गलत फायदा उठाया है। वहीं बीजेपी राजस्थान ने भी इस वीडियो को साझा किया है, लिखा है, गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का शर्मनाक बयान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना कांग्रेस नेताओं के DNA में है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर ट्वीट करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है, लिखा है, अशोक गहलोत के मंत्री का कहना है कि प्रभु राम माँ सीता की सुंदरता के पीछे पागल थे, ये कांग्रेस का सच्चा हिंदू विरोधी चेहरा है, कांग्रेस को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी राजस्थान के बदतमीज मंत्री पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, हिंदुओं की हंसी उड़ाने और अपने वोट बैंक की चमचमाई करने के लिए कितना नीचे गिरेंगे ये कांग्रेसी, भारत की आस्था प्रभु श्री राम को पागल बताते हुए राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को स्वयं के अस्तित्व पर शर्म नहीं आई, ये जानबूझकर दिया गया बयान है। ऐसे ही बयानों की वजह से आज कांग्रेस की स्थिति शूपर्णखा जैसी है। रावण की बहन के साथ क्या हुआ था गहलोत जी के खास मंत्री को ये तो पता ही होगा। वैसे भी इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है, कांग्रेसियों ने हमेशा हिंदुओं के सब्र की परीक्षा ली है। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा झुंझुनू के गुढ़ा गौड़जी CHC में एक्सरे मशीन का उद्घाटन करने के दौरान ऐसा सब कुछ कहते देखे गए।
गहलोत सरकार के बदसुवान मंत्री गुढ़ा ने कहा, सीता माता की सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती, उनके आकर्षण के कारण ही श्री राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान पागल हो गए, उनकी सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सुनिए हिंदुओं के भगवान के लिए क्या और कैसे कह रहे हैं राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा। सीता माता सुंदरी बोलो, साबित करो सीता माता सुंदरी। तो बोले फोटो में सुंदर है, तो बोले जने की पुत्री तो सुंदर होगी। अरे अलग अलग तरह किया, अरे राम और श्री राम और रावण दया का दो अद्भुत इंसान सखी महिला के लाल पागल होने पर निश्चित सुंदरी। जिस महिला के पीछे भगवान राम और रावण पागल हो गए तो उसकी सुंदरता की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी। राजेंद्र गुढ़ा का ये बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गया है। वो भीड़ में खड़े होकर कह रहे हैं कि सीता माता की सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उनके आकर्षण के कारण ही श्री राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान पागल हो गए, उनकी सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अब कांग्रेस के इस मंत्री से पूछा जाए कि क्या सोचकर इसने भगवान राम के लिए और माता सीता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, इसे किसने इजाजत दी कि ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में इस तरह की ओछी बयानबाजी करे। आखिर इस बयान के खिलाफ हिंदुओं का रोष क्यों नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ स्वामी चक्रपाणी महाराज ने ही राजस्थान के इस मंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई है। वैसे जिस तरह से चक्रपाणी महाराज ने इस एक बयान को लेकर राजस्थान कांग्रेस के मंत्री की खटिया खड़ी कर दी है, उसके बाद बीजेपी के भी कई नेताओं ने राजेंद्र गुढ़ा को सही सबक सिखाया है। भगवान राम और माता सीता के बारे में उलझुल बयानबाजी करने वाले नेता को आईना दिखा दिया है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साबित करो सीता माता सुंदरी। तो बोले फोटो में सुंदर है, तो बोले जने की पुत्री तो सुंदर होगी। तो बोले अरे अलग अलग तरह किया, अरे राम और श्री राम और रावण दया का दो अद्भुत इंसान सखी महिला के लाल पागल होने पर निश्चित सुंदरी। जिस महिला के पीछे भगवान राम और रावण पागल हो गए तो उसकी सुंदरता की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी। एक बार